Well, hello everyone, welcome back with another video जिसमें हम करने वाले हैं आज अनबॉक्सिंग करेंगे हम, जो कि मेरे सेटअप में बहुत टाइम से मिसिंग था। मैं सोच भी रहा था उसको बहुत टाइम से बाय करने के, लेकिन फॉर अदर रीजंस मैं उसको बाय नहीं कर पा रहा था। अब मुझे लगा कि हाँ, मुझे उसकी नीड है, तो मैंने बाय कर लिया। तो मैंने बाय किया है जस्ट 2 दिन पहले, मैंने अमेजन से ऑर्डर किया है माओनो की तरफ से आने वाला AUP M421 कंडेंसर माइक, जो कि बहुत सारे बहुत सारे फीचर्स आते हैं इसमें। वन ऑफ देम जो मुझे अच्छा लगा है, मैं कंटेंट क्रिएट ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से कर रहा हूँ और मुझे हेडफोन्स के माइक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मुझे लगा कि मेरी ऑडियो क्वालिटी और इम्प्रूव करनी चाहिए मुझे। और स्ट्रीमिंग पे भी मेरे को थोड़ी जगह प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन वो मैं फेस कर रहा था, हो गया रहा था जब भी मैं अपना मोबाइल BGMI खेलने के लिए उससे कनेक्ट कर रहा था केबल से, तो मेरे को जो गेम साउंड था वो कम आ रहा था। वो क्यों आ रहा था? क्योंकि मेरा माइक भी वही है और हेडफोन भी यही है, जो गेम का साउंड है वो भी इससे सुन रहा हूँ, जो स्ट्रीमिंग का साउंड है और जो बात कर रहा हूँ वो भी इसी से कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने माइक अपना डिसेबल किया इससे PC से, ओनली हेडफोन्स कनेक्ट किया, तो मुझे प्रॉपर आवाज़ आ रही थी। तो आई थॉट क्यों ना मैं एक दूसरा माइक ले लूँ जिससे मेरे को ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही हो जाए। तो आई बॉट दिस वन अराउंड, मेरे को ये अमेजन से 5000 के आसपास पड़ा। और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हेडफोन्स के बारे में कि मुझे कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो ओवरऑल इन बजट 5000 अराउंड मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा, जिसमें बहुत सारे फीचर्स है। इसमें जो मैन ऑफ द फ्यूचर्स है, सामने ही आपको म्यूट, डायरेक्ट म्यूट टच बटन मिल जाता है और गेनर भी मिल जाता है, कितना आपको वॉइस गेन करना है अपनी, कि कितना उसको कैप्चर करना है ऑडियो को। तो ये है जो कि कंप्लीट एक सेट के साथ आता है। इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या आता है। और गाइस, तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है वो मिलती है विंडशील्ड और एक पॉप फिल्टर, बाकी ये कागज पट्टे जिनका कोई काम, जो कोई सेंस नहीं होता। वैसे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में मैनुअल्स बहुत काम की होती है, कुछ कुछ में नहीं। एंड जो अंदर हमें देखने को मिलता है, सबसे पहला शॉक ऑब्जर्वर, जो कि आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट इन जैसे माइक्स के लिए, और एक बूम आर्म और कुछ फास्टन क्लिप्स, ये आई थिंक टेबल क्लैंप है, यस ये क्लैंप, ये USB इसकी केबल, और यहाँ आता है हमारा माइक। आई थिंक फोकस नहीं कर रहा हूँ। सो ये माइक, अब मैं इसको इंस्टॉल करके आपको बताता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी किस तरह से। इट्स गो। ऑलराइट गाइस, पूरा सेटअप वेटअप होने के बाद, जो अपने माउंट वाउंट है और ये सब कुछ लगा लिया है, उसके बाद बस अपने को माइक लगाना बाकी है। इसमें देख सकते हैं मैंने सब कुछ लगा दिया है, USB केबल एंड सब इसकी लगा दिए, अब बस इसको माइक को लगाना है। माइक को लगाते वक्त बस सिर्फ एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि जो इसका टच है और म्यूट, जो म्यूट टच बटन है और जो माइक गेन का बटन है, वो अपने फेस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जी ये जो है माइक सिर्फ एक तरफ से वॉइस कैप्चर करता है, दैट्स इट। तो अब हम इसमें लगाते हैं इसको, इसमें ये भी लगा देते हैं पॉप फिल्टर भी, अभी लगाता हूँ मैं पॉप फिल्टर को, पहले ये लगा देते हैं, अब इसमें पॉप फिल्टर भी लगा देते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सब लगाने के बाद अब
ये ऑप्शनल है, इसको लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। मेरे हिसाब से तो नहीं लगाना चाहिए, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि मेरे यहाँ कोई इतना शोर भी नहीं होता और इतना फैन भी नहीं चलता। अगर लगेगी तो मेरे को, मैं लगा लूँगा, वरना अभी तो मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब इसमें केबल लगाना तो भूल गया भाई। तो ये ऑन हो चुका है। और अब मैं आपको ऑडियो अपना टेस्ट करके बताता हूँ कि ये ऑडियो, इसके थ्रू आपको ऑडियो जो मेरी सुनाई देगी वो कैसे सुनाई देगी। तो अभी जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं आप, वो मेरे जो Logitech G Pro X है उस माइक से सुन रहे हैं। और अब जो आप आवाज़ सुनेंगे मेरी, वो आप मेरे USB कंडेंसर माइक के थ्रू सुनेंगे। अभी मैंने इसको सेट नहीं किया है पूरा अच्छे से, मैं इसको प्रॉपरली सेट करूँगा। अभी मैंने बस आपको दिखाने के लिए इसको पूरा सेटअप किया है। तो एज यू कैन सी, इसके जो टच बटन है सामने और माइक गेन का जो ऑप्शन है वो भी सामने है, तो अपन एडजस्ट कर पाएंगे जितना अपने को एडजस्ट करना है। तो अभी मैं जो, अब आने वाली जो आवाज़ होगी वो मेरे माइक के थ्रू होगी। सो गाइज, नाउ यू कैन हियर मी फ्रॉम दिस माइक, जो कि है मानो की तरफ से आने वाला AUP M421 है। तो आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ पूरी क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही होगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि एक USB कंडेंसर माइक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में वीडियो बना रहे हो या फिर स्ट्रीमिंग कर रहे हो, तो ये एक अलग ही क्वालिटी देता है वॉइस में। तो यह है कि इस, ये जो माइक है वो इस तरह से साउंड करता है। और जो इसमें फीचर है जो सामने ही दे रखा है कि अभी जैसे लाइक आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, अभी जैसे मैं इसको इस पर टच करूँगा म्यूट बटन पे, तो ये तो टच इसका माइक म्यूट बटन हो गया। और ये जो दूसरा फंक्शन है इसमें, एक मिनट में इसको ज़्यादा अंदर कर दिया गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ पहले। तो अब ये जो माइक गेन बटन है वो मेरा 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो अगर मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो अब एज यू कैन सी मेरी आवाज़ में बहुत ज़्यादा आपको लाउडनेस दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा गेन कर रहा होगा मेरी वॉइस। और धीरे धीरे अगर मैं इसको कम करता जाऊँगा तो मेरी आवाज़ बिल्कुल जो इसकी कैप्चर करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे, देखना वो मतलब कम डिस्टेंस से कैप्चर करने लगेगा। तो ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बटन को भी दबा देना भाई। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।